Now we are starting question number 5, exercise 12.3 from each corner of a square of side 4 cm. ये 4 cm का side का एक square है और इसके हर कोने में से एक circle काटा है, radius उसकी 1 cm है, यहाँ पर भी 1 या 1 cm radius का एक circle काटा है और बीचों बीच भी एक circle काटा है जिसका diameter 2 है. अगर उसका diameter 2 है तो radius उसकी भी definitely 1 हो गई है. तो हमसे पूछ रहा है कि जो बाकी remaining area है उसका एरिया कितना, जो बाकी रिमेनिंग बच गया है यहाँ पर शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना होगा. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप किस तरह से निकालेंगे, आपको निकालना है. देखिए ब्रदर, आपने सर्कल का एरिया निकाल लो तो सॉरी स्क्वायर का एरिया निकाल लो. तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपने निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर के एरिया में से आप माइनस कर दो एक तो अंदर का ये वाला सर्कल, समझ रहे हो, ये माइनस कर दो. तो माइनस एरिया ऑफ, मैं चलो लिख ही देता हूँ डायरेक्ट क्योंकि ये भी सर्कल है और ये चारों के चारों, ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है ना, एक एक सेंटीमीटर के, एक एक सेंटीमीटर का एक क्वाड्रेंट है. ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है सेक्टर. सेक्टर में यहाँ पे कितने का एंगल है, 90 का. तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो पहले इसको और ये आपका क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है. और थीटा कितना है इसका, थीटा आप यहां पे रख लो 90. और मैंने यहां पर 4 से क्यों मल्टीप्लाई करी, 1 2 3 4, ये 4 थी. और माइनस और कर लो इसमें से क्या, ये जो बीच में सर्कल है, एरिया ऑफ सेंटर में जो ये सर्कल है उसे भी आपने माइनस करना है. ये सारा जब आप करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा. चलिए हम डेटा लेना चालू करते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड. साइड कितनी है, 4 × 4 = 16 हो जाएगा. माइनस 90 से काटिए, 4 आ गया, 4 से कट गया. पाई कितना होता है, 22/7. और आर कितनी है आपके पास, 1 × 1. और माइनस एरिया ऑफ सेंटर, तो पाई आर स्क्वायर. पाई कितना है, 22/7. आर कितना है, 1 × 1. ये बात समझ में आ रही है आपके पास. तो ये 4 × 4 जब कितने हो गए आपके पास, 16 हो गए. माइनस 22/7 −22/7. ब्रदर आप इसका एलसीएम ले लीजिए, जब आप इसका एलसीएम लेंगे आपके पास 7 आ जाएगा. यहाँ पर आप 7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 112 − 22 − 22. आप 112 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा. ये रिक्वायर्ड एरिया है आपके पास शेडेड रीजन का. आई होप आपको ये वीडियो समझने में काफी आसानी रही होगी और आसानी से आप इसे समझ चुके होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल. और मेरा ये जो फोन नंबर है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इससे मुझे फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं और फेसबुक में मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए. और ये मेरा जो नंबर है ये पेटीएम नंबर भी है, आप कभी कभी इसमें कुछ 1 रुपीज 2 रुपीज डोनेट कर दीजिए. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.